एक बार फिर से आप सभी छात्रों का प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको बताया गया आज भिन्न पर आधारित प्रश्न पर फोकस किया जाएगा और भिन्न पर आधारित प्रश्न का एक ऐसा ट्रिक है कि समझ लीजिए आग लगा देने वाली ट्रिक है। केवल ध्यान दीजिएगा, कंफर्म आप मरते दम तक नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन को। केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस पर कई टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कम से कम 4-5 टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, 3 सही 1/4 प्लस 5 सही 2/5 माइनस 6 सही 3/4 प्लस 2 सही 1/2 को हल करना और भिन्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग क्या करते हैं, पहले आप इस तरह गुणा करते हैं कि 4 3 12 1 13 13/4 पंचम 25 25 2 27 27/5 और 6 4 24 24 3 27 27/4 और 2 2 4 4 1 5 5/2 करके सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, केवल ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या कर सकते हैं पता है, प्लस और माइनस वालों को ऐड कर दीजिए जैसा कि दिया गया है। 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस इन बड़ा ब्रेकेट में आप जो पद बचे हैं उनको उतार लीजिए। 1/4 बचा है प्लस 2/5 बचा है और माइनस 3/4 बचा है और प्लस 1/2 बचा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपको मिल जाएगा 4 प्लस 4 5 4 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20। अब देखिए 4 5 20 प्लस 5 4 20 तो 4 2 हो जाएगा बाबू 8, माइनस है तो माइनस 4 5 20 तो हो जाएगा 5 3 15 प्लस 2 10 में 20 यहां बचेगा केवल 10, मिला आपको 4 प्लस। अब 8 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा और 23 में से 15 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, 8/20। इसको सरल कर दीजिए, 4 2 8 4 5 20 अर्थात 4 प्लस 2/5 को आप लिख सकते हैं 4 सही 2/5, यही आपका आंसर होगा। कब बताया जा रहा है, दिया है 3 सही 1/4 प्लस 5 सही 2/9 माइनस 10 सही 5/6 प्लस 9 सही 3/4 दिया गया है। वेरी सिंपल तरीका आपको बताया गया, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप जोड़ दीजिए, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 8 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 और 17 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा केवल 7। सिंपल सी बात, 7 लिखा गया प्लस इन ब्रेकेट में अब रख दीजिए जो बचा है। यहां बचा आपका 1/4 और प्लस बचा 2/9 और माइनस बचा 5/6 और प्लस बचा आपका 3/4। अब यहां पर आपको मिल जाएगा 7 प्लस इन ब्रेकेट में 4 9 6 4 का एलसीएम लेंगे आ जाएगा 36, ये सबको पता है। अब देखिए 4 9 36 प्लस 9 4 36 4 2 8 हो जाएगा माइनस है तो माइनस हो जाएगा 6 6 36 और 6 5 30 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहां लिखेंगे 36 तो 4 9 36 और 9 3 हो जाएगा आपका 27। इस कंडीशन में क्या मिलेगा, 7 प्लस इन ब्रेकेट में, प्लस वाले को पहले आप जोड़ लीजिए, 9 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 17 17 और 27 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3 और 3 1 4 अर्थात आपको मिल जाएगा 44। देखिएगा 9 8 यहां जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 17 और 27 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 अर्थात आ जाएगा 44। इस कंडीशन 44 में से 30 घटा देंगे आ जाएगा 14, 14/ मिला आपको 36। अगर इसको सरल करना चाहेंगे तो 7 प्लस 14/36 को सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 7 14 और 2 8 36 अर्थात इस अवस्था में मिला आपको 7 प्लस 7/18, इसी को लिख सकते हैं 7 सही 7/18, ये आपका आंसर होगा। बाबू है कि आप ऐसा ट्रिक अभी तक तो नहीं है देखे होंगे, भाई पहली बार देख रहे हैं आप ऐसा ट्रिक।
अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके पहले वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन भी दबाना। इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और अपने फ्रेंडों में आप शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। ध्यान दीजिएगा, 47 - 13 / 47 आप लोग क्या करते हैं पता है, बाय वन करके आप त्रिया का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 47 × 47 और -13 = 51 और / 47 = 47। आप लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं, हालांकि इस मेथड में सॉल्व तो हो जाएगा, कंफर्म है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और वन डे एग्जाम के लिए मेन चीज़ यही होता है कि आपको समय बचाना है, तो समय बचाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंफर्म समय बच जाएगा भाई। तो क्या किया जाए, आपको दिया गया 47 - 13 / 47, कुछ करना नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना आपको। अगर 47 को हमने 46 + 1 लिख देंगे तो कहने का मतलब यह 47 ही लिखा गया है, और माइनस आपको 13 / 47 दिया गया है, यहाँ बाई वन करके आप त्रिया का गुणा केवल कर दीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा 46 + 47 = 47 -13 = 13 -47 = 47 अर्थात इस अवस्था में मिल गया 46 प्लस। अब 47 में से 13 को घटा दीजिए, 7 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 4, और 4 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा 3, और बटा 47 है, अर्थात आपका आंसर 46 सही 34 / 47 हो जाएगा। 35 - 5 / 8 मतलब टोटल का टोटल क्वेश्चन इसी पर सॉल्व होगा, चाहे जो अंक रहे आप अपने मन से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, सब पर फॉलो करेगा। 37 - 5 / 8 को सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 36 + 1 कर देंगे 37 हो जाएगा, और -5 / 8 दिया गया, बाय वन करके त्रिया का गुणा कर दीजिए, यहां मिल जाएगा आपको 36 + 8 = 8 -5 / 8 अर्थात 36 + 8 में से 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3 - 3 / 8 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 36 सही 3 / 8 आपको 98 - 47 / 53 बस उसी बेस से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 98 को अगर 97 + 1 कर देंगे 98 हो जाएगा, और -47 / क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया आपको करना है, डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, बाय वन कर सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा आपको 97 + 53 = 53 -47 = 47 नीचे आ जाएगा 53 = 53 अर्थात 97 प्लस। अब यहाँ 3 में से 7 तो घटेगा नहीं, एक उधार लेगा 13 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका कितना 6, यहाँ 4 बचा, कैंसिल हो जाएगा, बटा आपको मिला बाबू 53 अर्थात इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा, इसी को आप लिख सकते हैं 97 सही 6 / 53 यही आपका आंसर होगा। टाइप नंबर तीसरा बताया जा रहा, भिन्न पर आधारित प्रश्न दिया गया आपको, 14 सही 2 / 7 × 6 दिया गया है। तो आप सभी लोग क्या करते हैं, पहले आप 14 * 98 करेंगे, 2 जोड़ेंगे 100 / 7 करेंगे, तब 6 से गुणा करेंगे, इस प्रकार आप सॉल्व करते हैं। हालांकि अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ध्यान दीजिए, तुरंत आंसर लीजिए। पहले आप क्या कर दीजिए, 14 का 6 में गुणा करा दीजिए, 14 में 6 से गुणा कराएंगे तो 14 × 6 हो जाएगा 84, और 6 का आप 2 में गुणा करा दीजिए, 6 दुनी हो जाएगा 12, 12 बटा कितना हो जाएगा 7, और बीच में लगा सकते हैं आप प्लस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 84 + 7 = 7 7 × 7 = 7 = 5 / 12 होता है, अर्थात ये हो गया 5 / कितना 7, 84 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 85, अर्थात ये हो गया 85 सही 5 / 7 यही आपका आंसर होगा। आपको गुणा वाला बता दिया गया बाबू, 18 सही 3 / 4 × 5 आपको दिया गया है, एकदम वेरी सिंपल तरीका आपको बताया गया। क्या करेंगे, पहले 18 का 5 में गुणा करा देंगे, 18 बचे हो जाएगा 90, और प्लस लगा सकते हैं, 5 + 3 कर देंगे 15, 15 बटा हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 90 + 4 + 3 हो जाएगा 12, और 12 × 3 = 15 होता है, अर्थात 3 / कितना बचेगा 4। अब यही 90 में 3 जोड़ देंगे आ जाएगा आपका 93, अर्थात 93 सही 3/4 ही आपका आंसर होगा।
तो आपको सिंपल तरीका वही बताया गया, पहले आप छाछक में छह से गुणा करा दीजिए, छछबक 36 का 6 हासिल 3 और छछबक 36 36 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 39 और यहां हो जाएगा प्लस लगा सकते हैं 6 दुनी हो जाएगा 12 और 12 बटा बचा 3 और 3 एकन्न 3 3 चौक 12 अर्थात आ जाएगा 396 प्लस 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा बाबू 400। हमारे समझ से तो भाई इससे सिंपल ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकता है। अब एक क्वेश्चन और बताया जा रहा है, गुणा वाला भी हो गया, प्लस वाला भी हो गया, माइनस वाला भी हो गया, तो एक और आपका भाग वाला है, भाग विधि भी देख लीजिए। इसमें 85 से ही 5 बटा 7 भागे 5 करना है और आप करते क्या है, पहले 85 में 7 से गुणा करके 5 जोड़कर बटा 7 करते हैं तब भाग 5 देते हैं, तो आपका गलत भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा लाइन में जाएंगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गलत भी हो सकता है। तो इस विधि से तो 100% आप अगर थोड़ा दिमाग लगाकर करेंगे तो गलत नहीं होगा, ये तो कंफर्म है और समय भी बचेगा, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ 85 से ही 5 बटा 7 दिया गया है, इस विधि में इसको इस प्रकार कर सकते हैं, पहले 85 में आप 5 से भाग कर देंगे, जब 85 में 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 5 85, फिर 5 में 5 से भाग करेंगे तो 5 51 5 और बटा 7 आपको ऑलरेडी दिया गया, अर्थात इस सवाल पर आपका ये मेथड बताया गया, आ जाएगा 17 से 1 बटा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, मुश्किल से 2-3 सेकंड का सवाल आपका लगा है। अब ध्यान दीजिए आपको दिया गया 166 से 2 बटा 3 भागे 3 दिया गया है, अभी आपको 85 से ही 5 बटा 7 भागे 5 बताया गया, सब कट गया था, तो आप ऐसा कहेंगे कि सर जो है सिंपल एग्जांपल दिया जा रहा है कि जो कट जा रहा है केवल उसी का भाग आ रहा है, अब ना कटने वाला भी भाग आपको मिलेगा जिसमें हासिल भी बचता है। जैसे कि आपको बता दिया गया पहले आप 166 में 3 से भाग करेंगे, आ जाएगा 3 5 15 के 5 हासिल होगा आपका, ये यहाँ हो जाएगा फिर 16, 3 5 15 के 5 यानी 3 5 15 हो जाएगा हासिल आपका, एक बच रहा है 16। अब प्लस यहाँ आप 1 लिख सकते हैं और 2 बटा 3 दिया गया है, भागे ऑलरेडी 3 दिया गया है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप 55 प्लस 3 51 3 3 2 5 5 बटा 3 और भागे आपको दिया गया 3, भाग का व्युत्क्रम गुणा भी होता है, यहाँ आपको मिल जाएगा 55 प्लस 5 बटा 3 त्रिका हो जाएगा 9, अर्थात इसी को आप लिख सकते हैं बाबू 55 से ही 5 बटा 9। सिर्फ एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा भाग पर आधारित, दिया गया आपको 324 से ही 3 बटा 11 भागे 5 दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा उसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले 324 में 5 से आप भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 6 30 5 6 30 30 2 32 होता है, हो जाएगा बाबू 24, फिर बचा आपका 5 6 20 20 4 24 प्लस 4 से ही 3 बटा 11 और भागे 5 आपको ऑलरेडी दिया गया है, अब यहाँ मिल जाएगा आपको 64 प्लस 11 6 44 44 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 47 और नीचे 11 5 हो जाएगा 55, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू 64 से ही 47 बटा 55। लास्ट क्वेश्चन, और जो है अगले वीडियो में जो अगला वीडियो बनाया जाएगा उसमें आपको पुनरावृत्त के बारे में बताया जाएगा, सबसे सिंपल ट्रिक वहां पर भी लाके आपको बताया जाएगा।